आज हमारे वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन के 2600 दिन पूरे हो गए। 2015 में शुरू किया था, 14 जून 2015 से प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वन रैंक वन पेंशन देने का, जो आज तक पूरा नहीं किया है। और इनके जो मंत्री हो जगह जगह जाके बोलते कि वन रैंक वन पेंशन सैनिकों को दे दिया गया। मैं इनके मंत्रियों से कहना चाहूंगी कि आप झूठ बोलना बंद करें। सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन आज तक मिला नहीं है। 2600 दिनों से लगातार जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और जब तक ओआरओपी की डेफिनेशन लागू नहीं हो जाती तब तक सैनिक हार नहीं मानेंगे, जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और जंतर मंतर पर यहाँ लगातार अभी मैंने आपको यूक्रेन के छात्र दिखाए जो इसके विरोध कर रहे हैं, जीएसटी के लिए यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो फौजी भाई है, नो रैंक नो पेंशन वाले, अब जो है उनको जो पहले पेंशन मिलती थी अब पेंशन पर भी जो है लगातार सरकार की दोहरी माप नीति के चलते लगातार मार दी जा रही है। तो हमारे साथ मैडम है, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत जी। तो मैम, अब जो है आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लगातार धरना देना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? आज हमारे वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन के 2600 दिन पूरे हो गए। 2015 में शुरू किया था, 14 जून 2015 से प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वन रैंक वन पेंशन देने का, जो आज तक पूरा नहीं किया है। और इनके जो मंत्री हो जगह जगह जाके बोलते कि वन रैंक वन पेंशन सैनिकों को दे दिया गया। मैं इनके मंत्रियों से कहना चाहूंगी कि आप झूठ बोलना बंद करें। सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन आज तक मिला नहीं है। 2600 दिनों से लगातार जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और जब तक ओआरओपी की डेफिनेशन लागू नहीं हो जाती तब तक सैनिक हार नहीं मानेंगे, जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। तो अभी लगातार जिस तरीके से सरकार तो ये बोल रही है कि जो पहले के आर्मी के भाई लोग थे, जो मेजर थे, जितने भी आर्मी में थे, उनको तो वन रैंक वन पेंशन के तहत मिल रहा है पेंशन? नहीं मिल रहा है। कम से कम 6-7 हज़ार का फर्क है बेसिक पेंशन में। अगर एक सिपाही आज रिटायर होके आता है और जो आज से पहले के सिपाही हैं उनकी पेंशन में और आज के सिपाही की पेंशन में 6-7 हज़ार का बेसिक का पेंशन का फर्क है। और एक सिपाही के लिए 6-7 हज़ार हर महीने नुकसान होना बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या कुछ है कि अब क्या कुछ करेंगे? अब तो अग्निपथ जैसी जो है योजनाएं ला दी गई हैं, लगातार वहां पर जो है फॉर्म भर दिए गए हैं। देखिए, हमारी बेरोजगारी कितनी है, 2.5-3 साल से इन्होंने एयरफोर्स आर्मी नेवी की भर्तियां नहीं निकाली। तो जो लोग उसमें आर्मी भर्ती में जाना चाहते थे और 3 साल से घर में तैयारियां कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ भी फॉर्म निकलेंगे, बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ गई कि आप एक महीने के लिए भी नौकरी देंगे ना तो भी लोग फॉर्म भरेंगे। मगर अग्निपथ जैसी जो योजना लाई गई उसको लोग सराह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना लाई गई है। बिल्कुल अच्छी योजना नहीं है ये, हमारी भारतीय फौजों को कमजोर करने के लिए लाई गई है। अगर हमारी रेगुलर जो भर्तियां चल रही थी उनको बंद क्यों किया गया? अगर देश के जो रेगुलर भर्तियां हो रही थी, देश की जनता को आदों को पता नहीं है कि ये अग्निपथ से क्या नुकसान है, क्या फायदा? जो हमारी रेगुलर भर्तियां हो रही थी वो सरकार ने बंद कर दी है। सिर्फ अग्निवीर ही बनाया जाएगा और उसमें से कह रहे हैं कि 25% को परमानेंट रखेंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये देखिए कि हर साल हमारे 60,000 के करीब हमारे जवान ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में 14-15 साल में 16-17 साल तक हमारी फौजें तो बहुत कम रह जाएंगी। आज हमारी फौजें अगर 12 लाख के करीब हैं तो फिर आने वाले समय में 3 लाख रह जाएंगी। हमारे देश के चाइना इतना बड़ा बॉर्डर लगता है, उधर पाकिस्तान लगता है, दो दो दुश्मन हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और हमारी फौजें बहुत कम रह जाएंगी तो क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? जिस देश की फौजें कमज़ोर हो जाती है तो देश गुलामी को की तरफ बढ़ रहा है, उसको गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे देश की फौजें नंबर वन पे हैं, बहुत अच्छी फौजें हमारे देश की, तो हमारे देश की फौजों का अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनमें युवा रखना है तो जो फौजें हैं जो रिटायरमेंट का टाइम है उसी को आप 2-2 साल 4-4 साल कम कर देते हैं। ऑफिसर का भी आप 55 की जगह 50 साल कर देते, किसी का आप जैसे सूबेदार का 30 साल है उसको 25 कर देते, हवलदार का 24 या 20 कर देते, ऑफिसर से लेके सिपाही से लेके ऑफिसर तक का सबके साथ थोड़े थोड़े साल कम कर देते अगर इनको युवा फौज रखनी थी तो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसमें संशोधन नहीं किया। इन्होंने साफ साफ हमारी सेनाओं को ख़त्म करने की एक चाल है, आज हमारे देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये धीरे धीरे हमारी फौजों को कमज़ोर कर देंगे और देश का
कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होगी, जो अडानी अंबानी हैं उनको देश का आका बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, जो अडानी देश का पूरे संसार का चौथे नंबर है दुनिया में पैसे में, धनी आदमी चौथे नंबर का है, और उसका कर्जा माफ करने की सरकार को क्या जरूरत थी? उसका करोड़ों रुपए क्यों अडानी का करोड़ों रुपए इन्होंने क्यों माफ किया? किसान अगर खेत में ट्यूबवेल लगाता है, हल जोड़ता है, ट्रैक्टर लेता है, अगर वो अपना कर्जा नहीं भर सकता तो बैंक वाले उसका ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, उसके घर को ताला लगा जाते हैं, ट्यूबवेल को ताला लगा जाते हैं। तो ये जो अडानी की क्यों मदद कर रही है सरकार, ये गरीबों का मदद नहीं कर रही है, सिर्फ उद्योगपतियों की तो बड़ी चिंता है सरकार को, उद्योगपतियों का फटाफट कर्जे माफ कर रहे हैं, और जो किसानों का कर्जा माफ, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था रामलीला मैदान से कि मैं पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे? बड़े बड़े बैनर तो लग रहे हैं किसानों का कर्जा माफ किया है, वो पैसा बैनरों में जाता है या फिर जो बाकी पैसा सारा एमएलए एमपी उनको खरीदने में जाता है? इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इन्होंने एमएलए एमपी खरीदने में हमारा जो मेहनत का पैसा, जो हम टैक्स भरते हैं उससे ये एमएलए एमपी खरीद के सरकारें तोड़ने का इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि आप वोट डालें ना डालें, तो करोड़ों अरबों रुपया फिर आप इलेक्शन पे चुनाव में क्यों खर्च करते हैं? अगर आपने सरकार अपनी बनानी है, एमएलए खरीदने, एमपी खरीदो, डायरेक्ट खरीद लो ना, इतना पैसा और क्यों चुनाव में बर्बाद कर रहे हैं? तो देश के लोगों को जागना होगा। आज आप चारों तरफ जंतर मंतर पे देख लीजिए, कहीं तो जीएसटी वाले बैठे, यूक्रेन वाले बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी माताएं बहने यहाँ पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो रखी है, तो सारा देश दुखी है, हर वर्ग दुखी है। हरियाणा की मैं बात करूँ, हरियाणा में 40,000 के करीब छात्र टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, पद भरे नहीं जा रहे, और जानबूझ के सरकारी स्कूलों को 1,053 के करीब सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, और एक नया रिवाज बना रहे कि प्राइवेट स्कूल में कोई अपने बच्चों को डालेगा तो सरकार 1,100 रुपये देगी, और सरकारी स्कूल में जाओगे तो तुम्हें 500 रुपये देना पड़ेगा। ये कब से होने लगा, ये नया रूल कब से लागू कर दिया इन्होंने, ताकि लोग गरीब आदमी क्या सोचेगा कि मेरे को कहीं 1,100 रुपये मिल रहे, मैं अपने बच्चों को पढ़ाई भी होगी 1,100 रुपये भी मिलेंगे तो मैं वहीं डालूँ? तो जानबूझ के धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे ही एक टाइम आएगा सरकारी हॉस्पिटलों को खत्म कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब तक ये कुर्सी में बैठा है ना, पुनौती कुर्सी में बैठा है, तब तक पुनौती है ये जहाँ कदम रखता है, प्रधानमंत्री हैं देश के, ये जहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, मैं प्रधानमंत्री पद की इज्जत करती हूँ, लेकिन जो ये इंसान है ये एक पुनौती है, जहाँ ये कदम रखता है वहाँ मारकाट होती है, वहाँ दंगे होते हैं, जातिवाद के दंगे होते हैं, ये जब तक कुर्सी में बैठा रहेगा देश में अमन चैन नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो अभी मौजूद थी, लगातार जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन का जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से फौज में जो रैंक दी जाती थी, रैंक के साथ साथ जो है उनको पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन योजना के तहत इन्हें अभी तक जो है पेंशन मुहैया नहीं कराई गई है, लगातार इस तरीके के वादे और दावे किए जा रहे हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिली है। अब उसी के चलते यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।